हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन करना है आपको कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे डिनोमेटर में कॉस एक्स और कॉस अल्फा है, तो आप इस पार्ट को भी कॉस में ही एक्सप्लेन करोगे। तो कॉस टू ए के वैसे तो चार फॉर्मे होते हैं, मगर कॉस का फॉर्मे होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ऊपर कॉस टू ए की जगह पे दोनों में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पे आएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन और होल अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा टी एक्स। अब इस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हमने टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी, टू कॉन्स्टेंट बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी ये लिख सकते हैं जी, अपॉन में आ गया कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स। अब कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा से कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक है जी, अब टू कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, प्लस का कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी,